बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वह देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, ये वो कहते हैं अपने उन दोस्तों के लिए जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं और कहते हैं भारत के टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो कहते हैं एक अफजल मारेंगे घर घर से अफजल लाएंगे, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं। भारत के टुकड़े करने वाले और भारत का नाम निशान मिटाने वालों के साथ राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो देश के हर नागरिक दिल में आग लगती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने बिलासपुर के घुमारवीं में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब पलटवार किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि आतंकवाद से मुकाबले के बारे में भाजपा को कांग्रेस को सीख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने इस लड़ाई में अपने दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्प्रचार करके केंद्र में सरकार बनाई है, आज मोदी चुनावी एजेंडे की जगह माफीनामा लेकर आए। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी गलत निर्णय था, बैंक के बाहर कतारें लगी रहीं। पीएम ने देश के पैसे को काला धन कहा, इससे लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि उनका कौन सा बयान आज तक सच्चा है और जिसे उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा परेशान है, किसान बेहाल है। आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सबसे अधिक विज्ञापन पर खर्च करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। इस बार का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं, ये चुनाव किसी विचारधारा को बनाने के लिए नहीं, बल्कि 2019 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। जब हम पीछे मुड़कर पिछले 5 साल को देखते हैं तो दुख होता है, ये बात सैम पित्रोदा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। पित्रोदा ने कहा कि पिछले 5 सालों में 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन उसके उल्ट अभी भी 24 लाख सरकारी पोस्टें खाली हैं। सैम ने कहा कि ना युवाओं को रोजगार मिला ना किसानों को उचित मूल्य, पिछले 5 सालों में एक भी स्मार्ट सिटी का निर्माण नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पूरे पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बतलाने पर तुली हुई है, जो कि सरासर गलत है। किसी देश का हर नागरिक आतंकवादी नहीं होता। सैम ने आगे कहा कि भाजपा और संघ सभी लोकतांत्रिक संस्थानों को तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन उनका ये मकसद कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 5 चरणों के हाल को देखकर पीएम मोदी बौखलाहट में उलझुल बयान दे रहे हैं। वहीं डिजिटल कैंपेन पर सैम ने कहा कि ये मनमोहन सरकार की देन है, जिसका क्रेडिट पीएम मोदी लेने की जुगत में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंडी शहर में स्थित इंदिरा मार्केट में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत लोगों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। शहर के हर वार्ड में जाकर मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही सभी मतदाताओं से आगामी 19 मई के दिन मतदान करने के लिए अपील की गई। आईटीआई मंडी में 7 मई से 10 मई तक राज्य स्तरीय आईटीआई महिला खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 420 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आईटीआई मंडी के प्राचार्य वीरेंद्र डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में अभी तक बैडमिंटन, खो खो, वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले खेले गए, जिसमें मंडी जिला के खिलाड़ियों ने सभी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में 11 जिलों के 420 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पूरे स्टेट टूर्नामेंट में 11 डिस्ट्रिक्ट से 300
99 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और साथ में जो है रात के समय सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी संपन्न करवाई जा रही है। इसमें ग्रुप सॉन्ग और मोनो एक्टिंग और सोलो सॉन्ग की प्रतियोगिता हो चुकी है और आज रात को जो है फोक डांस की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। मेरा खिलाड़ियों से यही संदेश है कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें, हार जीत चली रहती है, सबसे महत्वपूर्ण है पार्टिसिपेशन। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें टीम स्पिरिट की और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। तो मेरा खिलाड़ियों से यही संदेश है कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें। और मैं